हाँ जी है कृष्ण राम बाप ऐसे बोला है, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। ये चारों ही वाक्य मुरली में बोले, इसका मतलब नारायण, प्रजापिता, शंकर और कृष्ण, ये अलग अलग व्यक्तित्व तो नहीं है, लेकिन ये संपन्न स्टेज की बात है। उस समय ये चारों ही नाम एक व्यक्तित्व के नाम हैं। कहा गया है कहीं शास्त्रों में कुछ है सत्य के बारे में जो कहा जाएगा? अरे कहने वाले भगत लोग हैं कृष्ण के बारे में, या कोई ज्ञानी जानता है कृष्ण के बारे में? हाँ क्या उल्लेख होता है? वो बात किसने बताई? वो बात बाबा ने बताई कि हम जानते थे पहले से? बाबा ने बताई। बाबा ने ये बात बताई है कि कृष्ण कोई द्वापर युग में नहीं होता है, कृष्ण तो सत्ययुग का पहला प्रिंस था, ये मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण है। वो कृष्ण वाली आत्मा इस समय अंतिम जन्म में ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है, दादा लेखराज के रूप में, और शरीर छोड़ने के बाद कोई व्यक्तित्व में प्रवेश होकर के पार्ट बजाती है। वो व्यक्तित्व मुख्य है जगदम्बा और जगत पिता। जगदम्बा का भी जो तामसी रूप बनता है उसमें वो अंदर अर्धचंद्र प्रवेश करता है, और शंकर के मस्तक पर तो दिखाया ही जाता है, वो तो मुकर्रर रहते हैं। तो कृष्ण वाली आत्मा है, कृष्ण नहीं है वास्तव में। हाँ जब वो आत्मा संपन्न बनेगी तो जो कृष्ण के भक्त होंगे उस साकार स्वरूप को जिसमें कृष्ण की आत्मा संपन्न स्टेज में पार्ट बजाएगी वो लॉर्ड कृष्ण के रूप में मानेंगे। जो राम के भक्त होंगे उसमें किसको देखेंगे? कृष्ण को देखेंगे, राम को देखेंगे, राम को देखेंगे। और जो शिव के पुजारी हैं वो उसे किस रूप में देखेंगे? हैं? शंकर के रूप में मानेंगे, समझेंगे, जानेंगे, लिंग रूप में देखेंगे। ये व्यक्तित्व तो एक ही है, पर्सनालिटी एक है या दो है चार है? एक ही है। और जो नारायण के पुजारी होंगे वो नारायण के रूप में देखेंगे। और माँ पिता जो है तो वो तो इतने भक्ति मार्ग में इतने बुरे नहीं दिखाए हैं। वो बुरे नहीं दिखाए हैं तो फेल कैसे हो गए? फेल हुए कि नहीं? किस लिए फेल हुए? मूल कारण क्या था? उन्होंने सत्य का पक्ष लिया या असत्य का पक्ष लिया? हिंसा करने वालों का पक्ष लिया या अहिंसक पांडवों का पक्ष लिया? हिंसा करने वालों का पक्ष लिया। अन्यायियों का पक्ष लेने के कारण भले कितने भी महान थे, कितने भी विद्वान थे, लेकिन फिर भी हार खानी तो है ही है। सत्य की विजय होती है, असत्य का नाश होता है। बाबा इतने बार मारते हुए कि वो मरे हुए निकाले बहुत दिन तो ये रहस्य भूल गया। ये अच्छी बात है क्या? घायल बने रहना बहुत दिनों तक, ये अच्छी बात होती है क्या? ये तो ठीक बात नहीं है।
मौत कौन सी अच्छी होती है, है? हाथ खेल हुआ तुरंत तुरंत खेल खलास, कोई कष्ट नहीं, एक सेकंड भी भोगना पड़ता। तो हार्ट अटैक का मौत सबसे अच्छा होता है। ब्रह्मा बाबा है ना, अरे भूल गए। और ब्रह्मा बाबा के पीछे पीछे ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ढेर सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, जो हार्ट अटैक से मृत्यु होते जा रही है, और उनको फॉलो करने वाले बाहर की दुनिया में ढेर के ढेर लोग हैं, जो कितने कितने पुलंदे बनाते जा रहे हैं, अपने प्लान्स के योजनाएं बनाते जा रहे हैं जिंदगी की, अपनी मनमत पर और मनुष्य मत पर, कि हम इस दुनिया को नई दुनिया बनाएंगे, हम राम राज्य लाएंगे। आखिरीन ये दुनिया धराशायी होगी या सुखदाई सुखदाम बनेगी उनके बनाने से? धराशायी हो जाएगी तो उनके हार्ट फेल होंगे कि नहीं होंगे? हार्ट फेल हो जाएंगे। और बाबा कुमार का दादी ने गरीब छोड़ा तब जल्दी वतन में गई, वो भूल जाता है। और वतन में पूरे जितने आत्मा थे उनके नजदीक थे कुमार का दादी की, उनसे उनका दादी से बात हुई, कुमार का दादी सबके नाम ले रहे थे, उनके पास बता दी थी इनको मेरा ये देना, उनको संगीता ले देना, होता होता और ब्रह्म बाबा की भी बात कर रहे थे। तो जब वतन से निशा थी ऊर्जा का थी तो फिर याद कितना याद करता था, पूरी मुरली से मुझे है पूरी मुरली याद कैसे रही किसको ऊर्जा का थी। गुलजार दादी को तो पढ़ना पड़ता है, उनको कुछ नहीं याद रहता है वतन की बात। जो वाणी ब्रह्मा बाबा उनके तन में प्रवेश करके सुनाते हैं वो भी याद नहीं रहती। साक्षात्कार थोड़े समय याद रहा, थोड़े समय के बाद वो भी भूल जाता है। अगर शॉर्ट एंड न किया जाए तो वो भी भूल जाएगा। तो वतन में इतनी बातें होती हैं तो फिर मिशनरी में वो मिशनरी में वतन की बातें नहीं होती हैं, जो वो वतन में देख के आती हैं, जैसे कोई सपना देखता है रात में, रात में सपना देखा और तुरंत का तुरंत कोई को याद रह जाता है, सारा सुना देता है, थोड़े दिन बाद वो सारा सपना भूल जाता है। तो ऐसे ही है। उन्होंने सुना किसने? गुलजार दादी पूरा कैसे बनाए? अरे यहाँ कितनी मनुष्य आत्माएं हैं जिनको अपने स्वप्न जीव के तो याद बने रहते, स्वप्न और साक्षात्कार की लीला आदि में भी चली और अंत में भी चलेगी। ये कोई ज्ञान नहीं है, इनके ऊपर विश्वास करना, किसके ऊपर? स्वप्न और साक्षात्कार के ऊपर विश्वास करना ये बुद्धिहीनों का काम है या बुद्धिमानों का काम है? वो बुद्धिहीन बाप के बच्चे हैं जो साक्षात्कार के आधार पर जिंदगी चलाते हैं, ब्राह्मण जीवन। अरे बाबा प्रैक्टिकल में आकर के ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान की वैल्यू नहीं। और स्वप्न और साक्षात्कार जिनका कोई प्रूफ ही नहीं, अरे जिसने देखा वो जाने, हम क्यों विश्वास करें? हम कैसे माने कि हाँ ये बात सत्य है? है? हाँ मुरली में कहते हैं कि हार्ट फेल की मौत सबसे अच्छी होती है, तुरंत खेल खलास, कोई दुख सहन नहीं करना पड़ता आत्मा को। लेकिन जो योगी होते हैं उनका हार्ट फेल नहीं होता। क्या योगियों का हार्ट फेल हो ही नहीं सकता? उनका हार्ट और मजबूत होगा या हार्ट फेल होगा? अरे ब्रह्मा बाबा को तो विनाश के साक्षात्कार हुए तो जार जार रोने लगे, इतना कमजोर हार्ट वाले थे। और हम बच्चे तो जब विनाश होगा तो मुर्दों को क्या करेंगे?
ठो कर मारेंगे, ये इसी काबिल है मरने योग्य। ये भगवान की बात बिल्कुल नहीं सुनते, मरने दो। ये विनाश को देख करके रोएंगे है? तो हार्ट फेल किसका होता है और हार्ट मौजूद किसका होता है? जो बाप को पहचानते हैं, मानते हैं और बाप की मत पर चलते हैं, बाप को याद करते हैं, उनका हार्ट मजबूत होता है। और जो बाप को पहचानते नहीं, उनका हार्ट कमजोर होता है। यज्ञ के आदि में बाप का पार्ट था या नहीं था? था। ब्रह्मा बाबा ने पहचाना? जब ब्रह्मा बाबा नहीं पहचाना नहीं, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे पहचानेंगे? उन्होंने भी नहीं पहचाना। अगर पहचाना होता तो यज्ञ के आदि में जो इतना बड़ा यज्ञ में झगड़ा हुआ, हिरोशिमा नागासाकी की लड़ाई हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध जैसा हो गया कि नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में? वो नहीं होता। आदि में भी धोबी घाट चलता था, लेकिन जो कमजोर बुद्धि वाली आत्माएं थी उन्होंने नहीं पहचाना। और लोकलाज के प्रभाव में आकर के बड़े बड़े घरानों की वो कन्याएं माताएं जो यज्ञ में आई हुई थी, उन्होंने लोकलाज के कारण उस पार्ट का विरोध किया। एनजीओ मंडली घोषित कर दिया। और उस समय का जितना भी साहित्य है, लिटरेचर है, वो सारा का सारा इकट्ठा करके और जमीन में गाड़ दिया। हिस्ट्री में ये काम भारत के शास्त्रों को जलाने का, जमीन में गाड़ने का काम कौन से धर्म की आत्मा ने किया है? मुसलमान इस्लाम धर्म की आत्मा ने किया है, मुसलमानों ने। तो शूटिंग हो गई। इस्लामी ही बदल करके फिर मुसलमान बनते हैं। और किसमें क्या बोला? एक मुरली, एक मुरली, अच्छा एक मुखी रुद्राक्ष में। हाँ, जो रुद्राक्ष होते हैं यानी रुद्र की जो माला है, जिसकी यादगार रुद्राक्ष के रूप में दिखाई जाती है, उन रुद्राक्षों में एक मुख वाला तो मिलता ही नहीं, कोई कोई को दुनिया में मिल जाता है। बाकी दो मुख वाले, चार मुख वाले, आठ मुख वाले, दस पंद्रह मुख वाले रुद्राक्ष बहुत मिलते हैं। क्या? और ये रुद्राक्ष कहाँ मिलते हैं? ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिलते, नेपाल में मिलते हैं। क्या? कहाँ मिलते हैं? नेपाल। क्या नाम रखा? नेपाल। नई माने नई दुनिया, और पाल माने पालना करने वाला। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में नई दुनिया स्थापन होने वाली है कि नहीं है? नई दुनिया का संगठन संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? होगा। उसकी पालना करने वाला कोई ग्रुप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। होगा। तो जो नई दुनिया की पालना करने वाला ग्रुप है, वो ग्रुप उन रुद्रमाला के मणकों को क्या करेगा? है? तैयार करेगा। वो रुद्रमाला के मणके नेपाल से तैयार होंगे। जो नई दुनिया की पालना, नई दुनिया के ब्राह्मणों के संगठन की पालना करने वाला ग्रुप है,
उसमें 9 ग्रुप हैं रुद्रमाला में, 12-12 के नंबर वार ग्रुप तैयार होंगे। जब माला बनाते हैं ना तो ढेर के ढेर मणके इकट्ठे करके रख लेते हैं चारों तरफ, फिर क्या करते हैं एक तरफ से धड़ाधड़ के रोते जाते हैं, 12 इसमें से, 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 12 इसमें। तो माला तैयार होगी लेकिन किसके द्वारा तैयार होगी? अरे कौन सा देश है? नेपाल। वो ऐसा देश है जो पहाड़ों पर है। क्या मैदान में भी है लेकिन ज्यादा हिस्सा पहाड़ों पर है, माने ऊंची स्टेज में रहने वालों का ग्रुप है। नीची स्टेज में रहने वालों का ग्रुप नाम मात्र, बहुत थोड़ा। उस नेपाल में यादगार बनी हुई है एवरेस्ट, दुनिया की ऊंचे से ऊंची चोटी। चोटी का ब्राह्मण कौन से देश का है? है नेपाल का। तो वो यादगारी भी बनी हुई है, इसलिए नेपाल में ही वो रुद्राक्ष के मणके मिलते हैं। बाबा जी तो फूल में इतना महत्व क्यों देते हैं? 2-2 हजार में बनते हैं। एक मुक्का होगा तो लाखों में भी खरीदेंगे, और आप तो अभी भी लाखों में उछावर कर रहे हैं। आप एक मुक्का मणका अगर आपको मिले तो लाखों रुपया न्यौछावर करेंगे कि नहीं छोड़ देंगे? है माता जी तो चुप रह गई। अभी यही मुसीबत आ रही है, माने हद के मणके के लिए आप लाख रुपया दे देंगे? है अच्छा चलो, जिसके लिए 10,000 है बैंक में, 10,000 से जिंदगी में ज्यादा नहीं कमाई की है, 10,000 बचा पाया है, उसके लिए तो लखपति का लाखों रुपया और उसके लिए 10,000 रुपया बराबर हो गया कि नहीं? तो अगर आपको 10,000 ही है आपके पास, लाख रुपया है ही नहीं, अगर आपको एक मुखी मणका मिल जाए मुट्ठी में आ जाए तो आप 10,000 नहीं दे देंगे? और भगवान विदेशी वस्त्र भारत में अगर आते हैं उसके बच्चे भी भारत में आना चाहिए कि दुनिया में भारत की मान्यता है या नहीं है? है। भले दुनिया के विदेशी लोग अपने को ऊंचा साबित कर रहे हैं हिस्ट्री में, लेकिन अंदर से जानते हैं कि भारत देश बहुत पुराना है और बहुत महान है। हमारे धर्मों की हिस्ट्री तो 2,500 साल की है, इससे ज्यादा पुरानी नहीं है। तो जो भारत देश है उसका नाम ही है भारत, काहे में रत, रत माने लगा हुआ, काहे में लगा हुआ, भा माने रोशनी। कौन सी रोशनी? ज्ञान की रोशनी कहो, जिस ज्ञान की रोशनी से प्योरिटी की रोशनी भी आती है। उस रोशनी के अर्जन करने में लगा हुआ है। आपका प्रश्न था भारत में विदेशी बनकर के क्यों आता है? भारत में विदेशी बनकर के आता है इसलिए कहा जाता है कि जिस देश में उसको प्रत्यक्ष होना है और प्रत्यक्ष होता है, जिस भारत देश में उसका जन्म मनाया जाता है भक्ति मार्ग में, वो भारत का स्वदेशी हिस्सा है या विदेशी हिस्सा है? है?
दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो भगवान विदेश में आता है या स्वदेश में आता है, कहाँ आता है? है विदेश में आता है। अरे भक्ति मार्ग में तो गायन है, मथुरा वृंदावन कृष्ण के रूप में, काशी नगरी शंकर के रूप में, और अयोध्या राम के रूप में। ये तीन मुख्य मानवीय अवतार हैं जिनके रूप में दिखाया है कि भारत में भगवान जन्म लेता है। तो जन्म तो भारत में लेता है, तो जन्म जात कहाँ का है? भारत का है। लेकिन फिर भारत में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, वो भी कारण बता दिया। क्यों प्रत्यक्ष नहीं हो सकता? क्योंकि भारतवासी बहुत पुराने हैं या नए हैं? बहुत पुराने हैं, एकदम बुढ़े हो गए हैं, तमो प्रधान हो गए हैं या नौजवान है? एकदम तमो प्रधान बुद्धि हो गई। इसलिए भल भारत में भगवान आता है लेकिन पहचान नहीं सकते। कुंभकर्णी निद्रा में सोते रहते हैं, इसलिए भगवान फिर क्या करता है? है तो भारतीय, भारत का जन्म लेने वाला है, जन्मजात भारत का है, लेकिन फिर कहते हैं विदेशी बन कर आता हूं, माने है नहीं विदेशी, बन कर आता हूं माने जो दक्षिण भारत भारत का विदेश है, समंदर के किनारे का इलाका है। जितने भी विदेश हैं वो सब समंदर के बीच में है, चारों ओर समंदर से घिरी हुई लंका है विदेशों की, यह स्वदेश क्या है? जितने भी टापू हैं विदेश के, विदर्भी धर्मखंड, वो सब समंदर से घिरे हुए हैं ना, इसलिए विदेशी है। ऐसे ही ये भारत का विदेश है, क्या है? दक्षिण भारत। ये दक्षिण भारत आज से 2500 वर्ष पूर्व नहीं था, समुद्र के गर्त में उसी तरह समाया हुआ था जैसे दुनिया के और विधर्मी धर्म खंड हैं वो समुद्र के गर्त में समाये हुए थे ही नहीं। इसलिए ये भारत का विदेश है। दूसरे धर्मखंडों में दूसरी भाषा है, और भारत के जो विदेश कहे जाने वाला दक्षिण भारत है उसमें भी भाषा कौन सी है? स्वदेशी भाषा नहीं है, दूसरी भाषाएं हैं, उनकी परंपराएं भी दूसरी हैं। उत्तर भारत की परंपराएं दूसरी है। उत्तर भारत में शिवरात्रि किसी और दिन मनाई जाती है और दक्षिण भारत में शिवरात्रि और दिन मनाई जाती है, इतना तक अंतर है। विदेशों में शिवरूपी ज्ञान सूर्य की उदय होने की बात रात्रि के 12 बजे से मनाई जाती है। वो दिन की शुरुआत कब मानते हैं? रात्रि के 12 बजे। और भारत में सवेरे को जब सूर्य निकल आता है तो दिन की शुरुआत मानते हैं, तिथि की शुरुआत मानते हैं। बुद्धि की सच्चाई है सारी। बाप जब आते हैं तो विदेशी पहचानते हैं या स्वदेशी पहचानते हैं? है विदेशी पहचानते हैं। ये नागपुर विदेश में है कि स्वदेश में है?
हाँ स्वदेश है। अच्छा दक्षिण भारत की राजधानी कौन सी है जो बहुत धनाढ्य है? बंबई। और बंबई कौन से प्रदेश में है? मराठी प्रदेश में। तो महाराष्ट्र से लेकर के नीचे का सारा हिस्सा विदेश में हुआ या स्वदेश में हुआ? विदेश हुआ। तो ये नागलोक है। नागलोक की यादगार क्या दिखाई दी? है नागपुर। किसका पुर? नागपुर। हाँ आपका प्रश्न ये है कि विदेशों में भगवान आता है? हाँ भगवान आते हैं हाँ, तो उनके बच्चे भी भारत में आना चाहिए, कौन विदेश में क्यों आते हैं? इसलिए कि भगवान के जो बच्चे हैं वो बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं। बुद्धिमान या बुद्धू है? है बुद्धिमान बच्चे हैं। और भारत का जितना भी बुद्धिमान तबका है आज की दुनिया में भी हद में देखा जाए तो जितने भी बुद्धिमान हैं अच्छे पढ़े लिखे हैं पास विद आनर होते जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े कॉलेजों में वो स्वदेश में रहते हैं या विदेश में चले जाते हैं? चले जाते हैं ना। तो ये परंपरा कहाँ से आई? संगमयुग से आई। भगवान बाप भी जिन अष्टदेवों में खास प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है वो अष्टदेव भी उनकी पूजा भारत के विदेश दक्षिण भारत में होती है या उत्तर भारत में होती है? दक्षिण भारत होती है। मंदिर भी दक्षिण भारत में बनते हैं, उत्तर भारत में उनके मंदिर भी नहीं बनते। पूजा भी वही होती है, मंदिर भी वही बनते हैं और मूर्तियां भी वही बनती हैं। उत्तर भारत में सिर्फ नवग्रहों के रूप में पटले पर दिखा देते हैं बस, मूर्तियां उर्तियां कुछ नहीं, मंदिर वंदिर कुछ नहीं। तो आपको जवाब मिल गया। हाँ अरे राम अपने घर से बाहर कब निकला? जिसको तुम संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में राम और कृष्ण टाइटल दे रहे हो वो अपने घर से बाहर कौन से सन में निकला? निकाला गया या निकला कुछ भी समझो। अरे कौन से सन में बाहर निकाला गया? हैं 98 में। तो 98 के बाद 14 साल ऐड कर दो। कब आया? हैं 2012 आता है। दुनिया वालों ने ब्राह्मणों के संगम युग की बातों की घोषणा बारी तरीके से कर दी हद के तौर पर कि पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाएगी, दुनिया लौट पौट हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन भगवान की वाणी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया। हाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान के बतौर ये बातें साबित हो सकती हैं। और शिव बाबा की जो आत्मा है हाँ मनुष्यों को भी डांस कराती है, इसका मतलब कीड़े मकोड़ों को भी डांस कराती है। भी शब्द किस लिए लगाया? हाँ भी लगाया माने कीड़े मकोड़े भी डांस करते हैं, जानवर भी डांस करते हैं। आप मिक्स करके मत बोलिए, जो बाबा का महावाक्य है वो ही महावाक्य बोलिए।
शिव बाबा की एक आत्मा है या दो आत्मा है? हा? जिसे हम शिव बाबा कहते हैं वो शब्द दो हैं या एक है? दो शब्द हैं और आत्माएं भी दो है। एक है निराकार जिसका नाम शिव है, एक है साकार जिसका नाम बाबा है। तो एक आत्मा नहीं है, इसलिए ये वाक्य में कुछ गड़बड़ी है। फिर दोबारा शिव बाबा की एक आत्मा नहीं है, कंबाइंड है। हाँ, और मनुष्यों को भी का मतलब क्या हुआ? कि मनुष्यों को भी कराती है और दूसरे जीव जंतुओं को भी डांस कराती है। तो ये वाक्य नहीं हो सकता मुरली में, आपने कुछ चेंज कर लिया, मिक्स कर दिया है? है? ये पहले आप अपने बाकी को रिफाइन करिए मुरली में से देख करके, तारीख वारीख निकालिए, अगली बार बताना फिर। है? है? बीसीडी में आया है आप क्या चाहते हैं, बेसिक में से भी आ जाए? नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते तो प्रश्न क्यों उठ रहा है? अरे एक बात तो हल हो जाने दो। है अष्टदेव जिन्हें कहा जाता है वो देव आत्माएं सूर्यवंश से ही होंगी, जो 16 कला संपूर्ण होते हैं, या चंद्रवंश से भी निकलेंगी। है सूर्यवंशी ही 84 जन्म लेने वाले होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं, या चंद्रवंशी भी 16 कला संपूर्ण होते हैं? सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण होते हैं, तो जो 16 कला संपूर्ण देवताएं होते हैं, 84 जन्म लेने वालों को ही देवता कहा जाता है, उसी ग्रुप में से ही 8 निकलने चाहिए देव, नहीं तो देव की लिस्ट ही नहीं है। अष्ट देव कहते हैं, अष्ट क्षत्रिय तो नहीं कहते, तो जरूर वो सूर्य वंश में से ही आना चाहिए, न इस्लाम वंश से होंगे, न किसी दूसरे वंश से होंगे, न चंद्र वंश से होंगे। है हाँ? वाह भैया, ये तो बड़े मजेदार बात कर दी। इसका मतलब जो दक्षिण भारत के विदेशी हैं, उनकी सबकी सोलें दक्षिण भारत की हैं। ऐसे सोल माने आत्मा, आत्मा भी किसी देश विशेष की होती है क्या? आत्मा परमधाम की होती है, यह दक्षिण भारत उत्तर भारत कंपिल की फरक्काबाद की नागपुर की होती है? होती है, अरे देह होती है देश विशेष की, आत्मा देश विशेष की नहीं होती है। हाँ क्या कह रहे, बोलिए बोलिए। हाँ फिर कंपिल से तो नहीं आती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहाँ से होता है? आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म जहाँ से होता है, तो वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देह के आधार पर होता है या आत्मा के आधार पर होता है? हाँ? किस आधार पर होता है? देह के आधार पर होता है। और हाँ वो कुछ पूछना चाहते हैं, वो पूछ नहीं पा रहे हैं। हाँ बोलो। एक रुपये जो होता है नेपाल में है? एक रुपये जो नेपाल में होता है। अरे वो हद के नेपाल की बात है,
हद के मणके की बात है, हद के रुद्राक्ष की बात है या बेहद के रुद्राक्ष की बात है? हैं? तो बेहद का रुद्राक्ष भी अलग, हद का रुद्राक्ष अलग, बेहद का नेपाल भी अलग और हद का नेपाल भी अलग। तो दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हो? वो तो सिर्फ है उदाहरण दिया। और बाबा हाँ, फर्स्ट क्लास याद उसे कहेंगे जिसमें कोई भी मिक्सचर की न हो, एकलव्य, एक से प्यार हो बस। अगर एक के अलावा कोई भी उसी आदमी में दूसरा आ जाता है तो उसको फर्स्ट क्लास याद नहीं कहेंगे, सेकंड क्लास याद। मनन चिंतन मंथन चलता है, वो भी मनन चिंतन मंथन तब सेकंड क्लास याद है जब मुरलियों का मनन चिंतन मंथन हो, जो ब्रह्मा मुख से निकली है या ब्रह्मा के मुख से गुलजार जवादी द्वारा जो वाक्य निकले हैं उनका मनन चिंतन मंथन हो, या तो सुप्रीम टीचर के रूप से जो महावाक्य क्लैरिफिकेशन के रूप में निकले हो उनका मनन चिंतन मंथन, वो भी सेकंड क्लास सेकंड कैटेगरी की याद है। तो ये तीनों प्रकार के वाक्य जो हैं, उसमें पर्सनालिटी की मिक्सचरिटी हो रही है कि नहीं हो रही है? मुरली के महावाक्यों पर मनन चिंतन मंथन करेंगे तो ब्रह्मा का मुख सामने आएगा या नहीं आएगा? हैं? आएगा। गुलजार दादी के मुख के द्वारा जो ब्रह्मा की वाणी चली है, व्यक्त वाणी, उस पर मनन चिंतन मंथन करेंगे तो गुलजार दादी का मुख आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और टीचर, सुप्रीम टीचर के रूप में जो बातों का मनन चिंतन मंथन करेंगे उसमें ये बात जरूर आएगी कि ये जो व्याख्या की है टीचर के रूप में वो कौन सी टेक्स्ट बुक है, पोएट्री है या प्रोज है, ये बात बुद्धि में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो मिक्सचरिटी की याद हो गई। बाबा इसलिए कोई भी मनन चिंतन मंथन न चले, सिर्फ एक शिव ज्योति बिंदु और सिर्फ एक बाबा। बाबा बने चाहता बस। माँ काली को भी तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, क्योंकि हम शिव बाबा मान लें। ब्रह्मा बाबा में भी शिव ने प्रवेश किया ज्योति बिंदु ने, तो क्या शिव बाबा मान ले? नहीं। और रामबाग ने शिव बाबा की प्रवेशता है तो कभी कभी रामबाग को ऐसा महसूस होता है तो जो रामबाप हो तो जाने उसे पूछो जाके, मेरे से क्यों पूछ रही हो? है? अरे महसूसता वाली बात जो है वो तो उसी से पूछो जिसको जो हो। और हाँ, बाल ब्रह्मचारी का बेहद में अर्थ है कि बचपन से लेकर के और जब तक इस सृष्टि में उसका पार्ट चले तब तक वो ब्रह्मा का आचरण का फॉलो करे। ब्रह्मा के अलावा किसी के आचरण का फॉलो करने वाला न बने, वो बाल ब्रह्मचारी है। हाँ।
है हाँ क्या मिलता है इस समय हाँ तो उसकी गतिविधियाँ अरे तो द्वापर युग में जो संसार बनता है वो है ही द्वापर युग द्वैतवादी युग है कि अद्वैत युग है द्वैत युग है तो वहाँ जो द्वापर युग में संसार बनेगा वो ज्ञानेंद्रियों का ही संसार होता है या कर्मेंद्रियों का भी संसार बनता है और सत्युग त्रेता में है ज्ञान इंद्रियों का ही संसार होता है तो एक्टिविटी में अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आ जाएगा हाँ स्वर्ग के गेट हाँ फीता लो कैसी से काट दो स्वर्ग के गेट खुल जाएंगे अरे सीधी सीधी बात सीधी सीधी मुरलियों में बोल देते हैं बाबा मुरली में बोलते हैं जो सुपनखाएं पूतनाएं ब्राह्मणों की दुनिया में नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती है विभिचारिणी बनती है वो नरक का गेट खोलती है और जो विभिचारिणी नहीं बनती है नरक का गेट बंद विभिचार का गेट बंद वो काय की निमित्त बनती है हैं स्वर्ग का गेट खोलने की निमित्त बनती है और हाँ क्या ये जो वार बनते हैं ना हाँ चंद्रमा से हाँ आठ बार कहाँ होते हैं सात बार होते हैं जो सात बार हैं उनके सात दिन स्पष्ट हैं शुक्रवार नाम पड़ा शुक्राचार्य का नाम नहीं सुना है शनिवार नाम पड़ा शनि देवता का नाम नहीं सुना सूर्यवार नाम पड़ा रवि का नाम नहीं सुना सोमवार नाम पड़ा ज्ञान चंद्रमा का नाम नहीं सुना मंगलवार नाम पड़ा मंगल देव का नाम नहीं सुना बुधवार नाम पड़ा बुद्ध देव का नाम नहीं सुना अपने तो भारतीय परंपरा में भी बुद्ध को भगवान के रूप में एक अवतार के रूप में मान लिया गया तो सातों तो हैं दो का पता बाद में वैज्ञानिकों के द्वारा पता पड़ा तब दुनिया में भी हैं सात ग्रह नहीं नौ ग्रह हैं और हैं स्वर्ग में स्वर्ग में रहते हुए सजा भी खाई जाती है हैं? गर्भ स्वर्ग में जो आत्माएं गर्भ में होती है वो सजा खाती है हाँ क्यों सजा खाएंगी क्यों नौ महीने पड़ी रहेंगी हाँ है? गर्भ में गर्भ में अंदर ही बंधे पड़े हैं बाहर की दुनिया का कनेक्शन ही नहीं है जो 84 जन्म लिए हैं आत्मा ने वो बाहर की दुनिया ज्यादा देखी है कि अंदर अंदर अंतर्मुखी रहे हैं
क्या रहे हैं है? अरे 84 जन्मों में बाहर की दुनिया देखी ना, तो बाहर निकलने की दिल नहीं होगी है? जेल में रहे पड़े वहां, तो वो जेल तो बहुत ही खराब है, गर्भ जेल, त्राहे त्राहे करती रहती है आत्मा, जल्दी बाहर निकालो। स्वर्ग में गर्भ महल होता है, गर्भ जेल नहीं होती है, वहां माता को भी कोई तकलीफ और कोई वजन महसूस नहीं होता है। ये ज्ञान में बेहद की सजाएं नहीं खा रहे हैं, ज्ञान में अंदर अंदर ब्रह्म कुमारियों से पूछो जाके, अंदर अंदर घुट रहे हैं कि नहीं घुट रहे हैं है? नहीं घुट रहे हैं, अंदर अंदर घुटन पैदा हो रही है, क्या करें, कैसे निकलें, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ज्ञान में गर्भ जेल नहीं है। हाँ है, बाबा ने बोला है कि रावण को मारने के लिए राम ने इतने बाण चलाए, सर काटते जाते थे, नए नए सर उगते जाते थे। इसका बेहद अर्थ क्या बताया? जितने भी प्रश्न पैदा होते हैं ज्ञान में, ईश्वर के ज्ञान में, अरे ईश्वर के ज्ञान में प्रश्न पैदा नहीं होना चाहिए, लेकिन पैदा होते हैं। तो जितने भी प्रश्न पैदा होते हैं वो बुद्धि से पैदा होते हैं या टांगों से पैदा होते हैं, पेट से पैदा, बुद्धि से पैदा होते हैं। तो वो जितने भी रावण के सर काटते जाते हैं उतने ही और ज्यादा प्रश्न पैदा होते जाते हैं। तो रावण के सिर ढेर के ढेर हो गए और ढेर के ढेर काटे गए, लेकिन रावण के सिर खत्म नहीं होते। ऐसे ही यही बात महाकाली के लिए दिखाई गई है खप्पर के रूप में। उसका बुद्ध रूपी खप्पर इतना मजबूत है, पावरफुल है, कि असुरों के विरोधी संकल्पों की जो भी बूंदें गिरेंगी वो धरणी रूपी कन्या माताओं के पेट में नहीं जा पाएंगी, जो पौधा बनकर के उगे हैं वो उसके बुद्ध रूपी खप्पर में ही गिरेंगी, जहां आग जल रही है असुरों के संहार करने के लिए। वो एक एक संकल्प रूपी बूंद जो है उस खप्पर में ही गिरती है। स्वाहा 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 स्वाहा। तो अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है, असुरों के साथ संकल्प महाकाली खा जाएगी, भस्म कर देगी। परम धाम में जब आत्माएं जाएंगी तो वो दुष्ट संकल्प लेकर के जाएंगी क्या है? नहीं, पवित्र होके जाएंगी या गंदे संकल्प लेकर के जाएंगी? पवित्र होकर। तो कोई तो तरीका होगा, तो ये तरीका है। ओम शंकर के स्वरूप से भी जगदम्बा ने कुछ लिया है या नहीं लिया है? लिया है। ऐसे ही जो स्ट्रिक्ट पार्ट है शंकर का और जो लीनेंसी का पार्ट है ब्रह्मा का,
उन दोनों मूर्तियों के पार्ट के बीच में तटस्थ रह करके जो पार्ट बजाने वाली मूर्ति है, न ज्यादा कठोर और न ज्यादा मृदुल, जहां जितनी कठोरता की जरूरत है उतनी कठोरता और जहां जितनी मृदुलता की जरूरत है उतनी मृदुलता, बैलेंस वाली मूर्ति कौन है? वैष्णवी शक्ति। वो वैष्णवी शक्ति जो प्रैक्टिकल जीवन बिताने वाली है, उसके प्रैक्टिकल जीवन से कुछ शिक्षा जगदम्बा की आत्मा लेती है या नहीं लेती है? अगर नहीं लेगी तो लक्ष्मी के साथ मिलकर के महालक्ष्मी के रूप में उसका गायन नहीं हो सकता। तो ये तीनों मूर्तियों के द्वारा जगदम्बा जो बेटी कही जाती है ब्रह्मा की, वो कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र ज्ञान के धारण करती है। इसलिए दिखाया गया है कि देवताओं ने उनको अस्त्र शस्त्र दिए। हाँ हाँ, जैसे कलकत्ते में देवी पूजा होता है, ऐसे ही बॉम्बे में गणेश पूजा होता है। जो पूर्वी शहर है भारत का, वहाँ के वासी जब तमो प्रधान बनते हैं तो असुर बनते हैं या देवता रहते हैं? असुर बनते हैं। असुर किसकी पूजा करेंगे? देवियों की पूजा करेंगे। पश्चिम भारत जो है वो पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है। दक्षिण भारत के जितने भी शहर हैं, उन सब शहरों का राजधानी के रूप में माया का, धन संपत्ति का बड़े से बड़ा अखाड़ा कौन सा शहर है? बम्बई। पैसे वालों की, जैसे अभी दुनिया की नजरों में अमेरिका धन संपत्ति धनाढ्य वालों की लोगों की शहर है, वो क्या नाम देश है, तो बम्बई जो है वो देह अभिमानियों की नगरी है। देह अभिमानी जो होते हैं वो कौन से जानवर के रूप में दिखाई जा सकते हैं? गधा नहीं। गधे में इतना देह अभिमान नहीं होता है, वो हर समय मारे देहवान के झूमता रहता है। और ऐसे भी नहीं कि बम्बई वाले बेवकूफ हों, बुद्धि में गधे की तरह बेवकूफ है, बुद्धिहीन है या बुद्धिशाली है? बुद्धिशाली है। और जानवरों में सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन सा होता है? है? हाथी। तो हाथी का रूप, उसकी पूजा जो अपना सात्विक रूप है वो दिखाया गया। बम्बई वालों का कहना है हमारे तो शहर का ही नाम क्या है? बम्बई। हर हर बम बम की नगरी का नाम क्या है? बम्बई। लास्ट में जाकर के थोड़े समय के लिए मुंबई नाम पड़ता है। लास्ट में तो सारा ही हिंदुस्तान देवियों की पूजा करता है, वो कोई खास बात नहीं। लेकिन बम्बई वाले जो हैं, वो अपने को किसकी औलाद मानते हैं? हर हर बम बम। अब वाणी में बोला है दिल्ली है स्थापनाकारी और बम्बई है विनाशकारी।
किसको फॉलो करती है? हैं? शंकर जी को फॉलो करती है। इसलिए शंकर जो है वो शिव का बच्चा है, बड़ा बच्चा। शिव है भगवान और शंकर है देवताओं में बड़ा देवता। तो एक पीढ़ी नीचे आया, शिव से क्या पैदा हुआ? महादेव। तो भगवान तो है नरको नारायण बनाने वाला, देवता बनाने वाला। और देवता क्या बनावेंगे? देवताएं किसी को देवता बनावेंगे? भगवान बनावेंगे? या ब्रह्मा मनुष्य बनावेंगे? क्या बनावेंगे? है? जो देवताएं हैं वो देवताओं से अगर सतयुग त्रेता हो तब तो देवता बनाने वाली बात है। लेकिन यहाँ युग कौन सा है? संगम युग है। यहाँ सतयुग भी नहीं है, त्रेता भी नहीं है, द्वापर भी नहीं है। क्या है? कलयुग है। तो यहाँ जो देव आत्माएं हैं वो देवताओं की रचना कर सकने योग्य हैं, अथॉरिटी हैं, ताकत हैं, या अपने से नीचा ही बना देंगे? है? अपने से नीचा ही बना देंगे। इसलिए शंकर को ज्यादा से ज्यादा जानवरियत जैसे मनुष्य की पैदाइश दिखाई गई है। और वो मनुष्य भी कैसा, एक मुख की सच्ची बात कहने वाला होगा या अनेक मुखी बातें कहने वाला होगा? नहीं, एक मुख की सच्ची बात शिव परमात्मा शंकर के द्वारा ही कहता है। बाकी दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जो एक मुख की बात करे। आज कुछ कहेंगे, कल कल कुछ कह देंगे, स्वार्थ के वशीभूत होकर के बात करते हैं। तो शिव से तो देवता बनते हैं, भगवान बनाता है देवता। लेकिन जो देव आत्माएं हैं वो कलयुग के अंत में क्या बना सकती है? देवता बना सकती है? किसी को कोई देवता नहीं बना सकता। तो कुछ तो कुछ ना कुछ तो रचना रचेंगी। क्या रचेंगे? मनुष्य, मनुष्य की रचना रचेगा तो एक मुख वाले मनुष्य की रचना रच सकता है या अनेक मुख वाले मनुष्य की, झूठे मनुष्यों की रचना रचेगा? झूठे मनुष्यों की रचना रच देता है। इसलिए छह मुख पैदा कर दिया। क्या? भगवान से पैदा हुए देवता, और जो बड़े से बड़ा देवता है उससे पैदा हुआ कार्तिक, ज्ञान की। कभी एक मुख से टिक टिक करेगा, कभी दूसरे मुख से, कभी तीसरे मुख से टिक टिक ही करता रहेगा, एक सच्ची बात नहीं करेगा। और वो गुरु किनका बनता है? स्वदेशियों का गुरु बनता है या विदेशियों का? है? दक्षिण भारत के जो विदेशी है वो उसको गुरु मानते हैं, मुरुगन स्वामी। क्या? हाँ, जो विदेशी बच्चे हैं, जो बाप को पहले पहले प्रत्यक्ष करते हैं, उनकी विशेषता बताई है कि पहले पहले जग जाते हैं, बाप को प्रत्यक्ष कर देते हैं 77 में, और फिर बाद में
सो जाते हैं, अज्ञान की नींद में इतने गहरे सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हम बाप का विरोध कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं। तो उनको मुर्गे के रूप में दिखाया जाता है, क्या मुर्गे के रूप में पूंछ दिखाई गई है। जब अलेक्जेंडर ने भारत में आक्रमण किया था तो उनके ताज में क्या दिखाया जाता था, मुर्गे की पूंछ दिखाई जाती थी। तो जो अव्वल नंबर देवता है उससे विदेशियों का पैदाइश हुई। अनेक अनेक मुखों की बातें करते हैं, कोई पक्की बात ठहरती नहीं। और उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तो मुर्गन स्वामी की पूजा होती है, उत्तर भारत में है, दक्षिण भारत में किसकी पूजा होती है, है? देवताओं की पूजा तो होती है, लेकिन देवताओं में पहला देवता कौन है? नहीं, गणेश। क्या पहला देवता है गणेश? वो पहला देवता भी जानवर बुद्धि दिखाया गया गणेश के रूप में। किसलिए है? क्योंकि गणेश जो है वो अपना घर अलग बसाता है या माँ बाप के साथ ही रहता है, है? माँ बाप के साथ रहता है। गणेश लोग अलग नहीं बसाता है, अलग बसाता है। तो जब घर परिवार अलग बसाई दिया तो देवी देवता सनातन धर्म को फॉलो करने वाला हुआ या तोड़ने वाला हुआ, ऐसा टूट गया। इसलिए भगवान ही देवता बनाता है देवताओं का परिवार, कोई भी देवता देवता नहीं बना सकता। या तो गिरी हुई कोटि का मनुष्य बनाएगा या तो जानवर ऐसा बना देगा। कोई जानवर ऐसा होता है जिसके बाल बच्चे सारे जीवन उसके साथ ही रहते हो, अलग न होते हो, होता है कोई है? कोई नहीं होता। उनको कहते हैं जानवर बुद्धि। जो देवताई बुद्धि होते हैं वो देवी देवता सनातन धर्म एकता में बंद करके रहता है। एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, हर बात में एकता, द्वैतवाद का नाम निशान नहीं। राम के साथ है, राम के साथ है कोई असली सीता राम के साथ है, है? अगली परीक्षा में देना पड़ेगा। हाँ है? अरे ये तो सब जानते हैं कि जिस सीता को रावण ले गया उसकी अग्नि परीक्षा हुई, या जिस सीता को रावण ले ही नहीं जा सका, पहले से ही योगाग्नि में निवास कर दिया। तुम पावक में करो निवासा, योगाग्नि में रहो, उसकी परीक्षा होगी। अरे जो प्योर सेना है, सोना है, उसकी क्या परीक्षा होगी? जिसमें खाद पड़ी हुई हो संग के रंग की, उसकी परीक्षा होनी है या सच्चे सोने की परीक्षा होगी?
खाद वाली सोने की परीक्षा होती है, है? हाँ जी है? चलो भाई, डेढ़ घंटा हो गया।